बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम कुकिंग फूड सीरीज में आपको खुश आमदीद। तो क्या हाल है, यकीनन आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज रेसिपी में मैं चने चाट बनाना सिखाऊंगी। तो चले इसे शुरू करते हैं कि कैसे बनाया जाता है। इसमें ये सारा सामान डालूंगी मैं, दो टमाटर, दो प्याज, बंद गोभी, आधा किलो आलू, एक पाव चने, हरा धनिया और चाट मसाला, और ये दही की चटनी, और ये इमली है, इसका खट्टा बनाऊंगी। तो चने मैंने इसमें डाल लिए हैं प्रेशर में, और एक चम्मच नमक डालूंगी और इसे बंद कर देंगे 15 मिनट। जब ये वेट चले तो इसको 15 मिनट सिर्फ लगाने हैं आपने। तो आपको तेज कर देते हैं जी व्यूअर्स। तो ये हमने आलू उबालने रख दिए हैं, और ये उबल जाएंगे तो इन्हें छील के काट लेंगे ब्रीक ब्रीक। चीज़ें ऐड करूँगी इस जगह पे, आलू, चने और ये बंद गोभी, और हरा धनिया, टमाटर और प्याज। और अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी, 2 चम्मच। इसमें और कुछ भी नहीं डालूंगी सिवाय चाट मसाले के, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब मैं आपको इसका पानी बनाना सिखाऊंगी जो इसके साथ खाया जाता है। तो अभी मैं इसमें इमली ऐड करूंगी जो भिगो कर रखी थी हमने 1-2 घंटे से, और इसमें पानी भी डाल दूंगी और फिर इसे नमक डालूंगी। ज़रूरत जितना आपने पानी बनाना हो, और फिर से ऐसे ऐसे कर लेंगे हाथों की मदद से जी व्यूअर्स। तो ये देखें, अब हमारा पानी तैयार हो चुका है ये खट्टे का, और इसमें डालेंगे एक बर्तन में छान के ऐसे। तो ये तैयार हो चुका है क्या व्यूअर्स। तो आज की हमारी रेसिपी चने चाट बिल्कुल तैयार है। तो अब आप इसे दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और इमली के पानी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इजाज़त दें किसी और नई रेसिपी के साथ। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।